इस साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दावा कर दिया है कि अगर सत्ता में आने के बाद वह वादे पूरे नहीं कर पाते हैं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे और घर चले जाएंगे। मई तक राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सियासी दल मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में लग गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी लोगों से किए गए वादों को पूरा करेगी, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो 10 किलोग्राम चावल देंगे। हमने पहले ही महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 2000 रुपए देने का वादा किया है। आपको हम पर भरोसा है ना? चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हम अपना वादा पूरा करेंगे। एक जनसभा को संबोधित करते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि अगर वादा पूरा नहीं कर पाए तो हम लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे और घर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को 10 किलोग्राम चावल मुफ्त में दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।